रायबरेली समाचार चैनल, आज की बड़ी खबर। समरस जीवन, समर्थ हिंदू समाज का आधार युद्धवीर, अनुशासन और एकरूपता पथ संचलन में बनी आकर्षण का केंद्र। रायबरेली 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष की तरह नव संवत्सर के अवसर पर विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेंद्र जी, संस्थापक निदेशक डिग्री कॉलेज ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान युद्धवीर जी रहे। आप पूर्व में उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक तथा वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र सेवा प्रमुख रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने रायबरेली के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राजा दल के इतिहास का स्मरण किया। संघ के प्रथम सरसंचालक की जयंती भी वर्ष प्रतिपदा के दिन ही है। उनके जीवन वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालते हुए संघ की शाखा आने पर विशेष बल दिया। सामाजिक समरसता समाज की विशेष आवश्यकता है, भगत सिंह के समरस जीवन का उदाहरण दिया। संचलन में जिले के 84 न्याय पंचायतों से आए 5000 स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया। पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया है, जिसमें बस स्टॉप चौराहे पर अधिवक्ताओं ने पथ संचलन कर रहे स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। इसी क्रम में कैपिटल सिनेमाज पास भी स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। वही हो या मंडी के पास समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। इसी क्रम में कैपरगंज घंटाघर रामकृपाल चौराहा सुपर मार्केट में 2-3 संगठनों ने अलग अलग पुष्प वर्षा करके स्वयं सेवकों का स्वागत किया। वह इसी क्रम में यूनियन बैंक चौराहे पर भोला गुप्ता ने पुष्प वर्षा किया। इसी क्रम में हाथी पर चौराहे पर व कचहरी रोड डिग्री कॉलेज चौराहे, इलायची के पास अस्पताल चौराहा आदि स्वयं सेवकों का समाज सेवियों ने स्वागत किया। संचलन में संघ का घोष वादन ने संपूर्ण जनमानस का मन मोह लिया। 4 पंक्तियों में स्वयं सेवक पूर्ण अनुशासित संचलन देखकर नगरवासी देशभक्ति से उत्साहित दिखे। पथ संचलन GIC मैदान से निकलकर बस अड्डा खोया मंडी घंटाघर सुपर मार्केट डिग्री कॉलेज चौराहा होते कैनाल रोड होते हुए पुनः GIC मैदान में समाप्त हुआ। इस अवसर पर JD द्विवेदी जी जिला संचालक, श्री राहुल जी विभाग प्रचारक, अमरजीत जी जिला प्रचारक, गया प्रसाद जी विभाग सेवा प्रमुख, अमित जी जिला कार्यवाह, संजय जी से प्रांत कार्यवाह, राहुल सिंह जिला प्रचार प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंचासीन युद्धवीर जी क्षेत्र सेवा प्रमुख JD द्विवेदी जिला संचालक राजेंद्र बाजपाई कार्यक्रम अध्यक्ष समस्त नगर कार्यकारिणी व जिला कार्यकारिणी का विशेष योगदान रहा। JCI रायबरेली द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। रायबरेली में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा RSS के कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल पथ संचलन निकाला गया। शहर के कैनाल रोड स्थित हनुमान मंदिर के निकट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं एवं संघ के गणमान्य लोगों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष JC रजत गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष JC पवन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष JC ऋषि अग्रवाल, JC गोविंद खन्ना, सचिव JC सुयश जीवनानी, JC आदित्य श्रीवास्तव, JC मोहित गर्ग, JC यश चंदानी, JC पीयूष सिकरिया, JC रचित मुरारका, JC अभिनव वर्मा सहित आदि लोग उपस्थित रहे। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। रायबरेली समाचार चैनल, आज की बड़ी खबर। समरस जीवन, समर्थ हिंदू समाज का आधार युद्धवीर, अनुशासन और एकरूपता पथ संचलन में बनी आकर्षण का केंद्र। रायबरेली 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष की तरह नव संवत्सर के अवसर पर विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेंद्र जी, संस्थापक निदेशक डिग्री कॉलेज ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान युद्धवीर जी रहे। आप पूर्व में उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक तथा वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र सेवा प्रमुख रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने रायबरेली के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राजा दल के इतिहास का स्मरण किया। संघ के प्रथम सरसंचालक की जयंती भी वर्ष प्रतिपदा के दिन ही है। उनके जीवन वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालते हुए संघ की शाखा आने पर विशेष बल दिया। सामाजिक समरसता समाज की विशेष आवश्यकता है, भगत सिंह के समरस जीवन का उदाहरण दिया। संचलन में जिले के 84 न्याय पंचायतों से आए 5000 स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया।
पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया है, जिसमें बस स्टॉप चौराहे पर अधिवक्ताओं ने पथ संचलन कर रहे स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। इसी क्रम में कैपिटल सिनेमाज पास भी स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। वही हो या मंडी के पास समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। इसी क्रम में कैपरगंज घंटाघर रामकृपाल चौराहा सुपर मार्केट में 2-3 संगठनों ने अलग अलग पुष्प वर्षा करके स्वयं सेवकों का स्वागत किया। वह इसी क्रम में यूनियन बैंक चौराहे पर भोला गुप्ता ने पुष्प वर्षा किया। इसी क्रम में हाथी पर चौराहे पर व कचहरी रोड डिग्री कॉलेज चौराहे, इलायची के पास अस्पताल चौराहा आदि स्वयं सेवकों का समाज सेवियों ने स्वागत किया। संचलन में संघ का घोष वादन ने संपूर्ण जनमानस का मन मोह लिया। 4 पंक्तियों में स्वयं सेवक पूर्ण अनुशासित संचलन देख कर नगरवासी देशभक्ति से उत्साहित दिखे। पथ संचलन जीआईसी मैदान से निकलकर बस अड्डा खोया मंडी घंटाघर सुपर मार्केट डिग्री कॉलेज चौराहा होते कैनाल रोड होते हुए पुनः जीआईसी मैदान में समाप्त हुआ। इस अवसर पर जेडी द्विवेदी जी जिला संचालक, श्री राहुल जी विभाग प्रचारक, अमरजीत जी जिला प्रचारक, गया प्रसाद जी विभाग सेवा प्रमुख, अमित जी जिला कार्यवाह, संजय जी से प्रांत कार्यवाह, राहुल सिंह जिला प्रचार प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंचासीन युद्धवीर जी, क्षेत्र सेवा प्रमुख जेडी द्विवेदी, जिला संचालक राजेंद्र बाजपाई, कार्यक्रम अध्यक्ष समस्त नगर कार्यकारिणी व जिला कार्यकारिणी का विशेष योगदान रहा। जेसीआई रायबरेली द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। रायबरेली में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा RSS के कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल पथ संचलन निकाला गया। शहर के कैनाल रोड स्थित हनुमान मंदिर के निकट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं एवं संघ के गणमान्य लोगों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जेसी रजत गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष जेसी पवन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष जेसी ऋषि अग्रवाल, जेसी गोविंद खन्ना, सचिव जेसी सुयश जीवनानी, जेसी आदित्य श्रीवास्तव, जेसी मोहित गर्ग